देखें, सबसे पहले हम कन्वर्जन करेंगे एक्टिव टू पैसिव, लेकिन यहाँ पे हमारा चूंकि डिस्कस्ड जो हमारा टॉपिक आज के दिन में चल रहा है वो है पास्ट सारा, ठीक है। अब पास्ट के अकॉर्डिंगली जो हम करेंगे वो देखते जाएंगे। कई सेंटेंसेस बीच में आपको पता है मैं कल कट करवा दिए थे, वो हम नहीं डिस्कस करेंगे, वो जो गलत थे जिनके पैसिव बनते ही नहीं है। जैसा कि अभी क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, मैं कन्वर्ट करवा रहा हूँ सारे। द डॉग चेज द कैट, आपका कोई भी क्वेश्चन होगा आप अभी पूछ लेंगे मुझसे। द डॉग चेज द कैट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब देखते साथ हमें पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में क्या लगता है, बॉस वर्ब लगता है। माइंड इधर रखें, बातें नहीं करनी आपस में जी। द कैट वॉज चेज्ड बाई द डॉग, नंबर 2 द डॉग बिट द बॉय, पास्ट इंडेफिनिट। द बॉय वॉज बिट बाई द डॉग, बिटन हाँ बिटन आएगा, बिटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, बिटन BITEN। नंबर 3 द पियन रैंग द बेल, द बेल वॉज रंग बाई द पियन, RUNG रंग। नंबर 4 अहमद प्लेड हॉकी, पास्ट इंडेफिनिट है, हॉकी वॉज प्लेड बाय अहमद। नंबर 5 मिस मरियम मे टीच अस इंग्लिश, वी वर्ब क्या है यहां पर टीच, उसके फौरन बाद क्या है अस, अस को सब्जेक्ट बनाएं। वी मे बी टॉट इंग्लिश बाय मिस मरियम, बात की समझ लग गई है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्रैमिंग नहीं, सिर्फ नोट करना आपका टास्क नहीं होना चाहिए, आपका समझना टास्क होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको कहा था, मैं आपको जो पेजेस प्रोवाइड कर रहा हूं कल क्लास से पहले, यानी कि आज अभी क्लास से पहले आपके पास सारे नोटेड डाउन होने चाहिए थे, और जो उसमें आप अपनी चेकिंग करते कि मैंने ये कोशिश की है, मेरा गलत हुआ है, उसके पीछे रीजन क्या है। आप इस तरीके से चलते तब आपने सीखना था, लेकिन अगर मेरे बोलने से आप नोट कर रहे हैं आप 1% भी नहीं सीखेंगे, इस तरह आपकी क्रैमिंग होगी सारी। दोबारा फिर मैं बोल रहा हूं, नंबर 5 वी मे बी टॉट इंग्लिश बाय मिस मरियम, वी मे बी दोबारा दूसरे तरीके से, वी मे बी टॉट बाय मिस मरियम इंग्लिश, इंग्लिश एंड पे लगा दें, लेकिन वो ज्यादा सूटेबल नहीं बनता। नहीं मे को मे बी, मैंने रूल लिखवाए थे, माइट माइट बी पैसिव बनाने, कैन कैन बी, कुड कुड बी, शुड शुड बी, विल विल बी, गुड वुड बी, शैल वो विल बी, ये शैल बी उसके अकॉर्डिंगली रूल के मुताबिक। हाँ ये सारे जितने वर्ड बोले इनको मॉडल वर्ब्स बोलते हैं, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं इनको, इनको जब चेंज करना हो नॉर्मल में इनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी 110% श्योर रखें माइंड में, लेकिन जब हम इनका पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेंगे। रिकॉर्डिंग हो रही है चेक करना जी। नंबर 6 रहमान शुड कैच द बॉल, देखा शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन क्या होती है, चाहिए रहमान को कैच पकड़ना चाहिए या बॉल पकड़नी चाहिए। अब इसका पैसिव बना, द बॉल शुड बी कैच्ड बाय रहमान। नंबर 7 चिल्ड्रन कुड लाइक स्वीट्स, कॉट सी ए, मैंने कैच बोला है वो गलत है, कॉट 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 CAUGHT, ठीक है। चिल्ड्रन कुड लाइक स्वीट्स, स्वीट्स कुड बी लाइक्ड बाय द चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन। नंबर 8 कॉट CAU, देखिए मैं कुछ बोल देता हूं, एक होता है कैच, इसका बनेगा कॉट CAUGHT कॉट, उसके बाद एक होता है टीच टॉट TOUGHT टॉट, उसके बाद इस तरह के एक दो और वर्ड भी हैं,
Bring or buy? Bring, bought. B-O-U-G-H-T, bought. नहीं B-O-U-G-H-T तो सजी buy का bought. Brought, bring का brought. B-R-O-U-G-H-T. और T's का जो tot बनेगा T-A-U-G-H-T, tot. किसका बाय का बोट होगा बाय बॉट बाय खरीदना हाँ बॉट और ब्रिंग का ब्रॉट ब्रॉट बी आर ओ यू जी बिल्कुल बिल्कुल बी आर ओ यू जी एस टी नेक्स्ट जी नंबर एट सारा कैन टेक अ फोटोग्राफ कैन का मतलब उर्दू में सकता ठीक है जैसा कि सारा कैन टेक अ फोटोग्राफ सारा पिक्चर बना सकती है या खींच सकती है तो अब इसका हम पैसिव बनाएंगे अ फोटोग्राफ कैन बी टेकन बाय सारा नंबर 9 हु टॉट यू दिस पॉइंट आई टोल्ड यू मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हु आया तो बाय होम आएगा उसके अलावा जितने भी डब्ल्यू एच वाले हैं वो एज इट इज रहते हैं उसमें चेंजिंग्स नहीं आती हु का होम और होम का बाई होम का हु आपस में जो इंटरचेंज होते हैं ये हु टॉट यू दिस पोएम बाई होम दिस पोएम वॉज टॉट टू यू बाई होम वॉज दिस पोएम ये आएगा बाई होम वॉज दिस पोएम Taught to you. This point, नहीं नहीं by home start में लगेगा सवाल रखना है इसको By home was this poem taught to you. Number 10. The police arrested the smuggler. The smuggler was arrested by the police. Number 11. Shiva was flying a kite. A kite was being Flown by Shiva. अब यहां पर बात ये हो रही है पास्ट कॉन्टिन्यूस वॉज वर जहां पे आ जाए आई एन जी लगी हो तो हमें पता चल जाता है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस ही है इसका पैसिव बनाएंगे तो साइन नुमान बताएगा फिर हम एल्पी वर्ब क्या यूज करते हैं मेरी तरफ देख के बताएं जो मैं बता चुका हूं अभी बात हो रही है जी जो मैं बात जिस टॉपिक पे कर रहा था वो कौन सा टॉपिक चल रहा था अभी जी तो बताए ना उसके मुताबिक हाँ जी वॉज बीइंग वर बीइंग माइंड प्रेजेंट रखें एकदम ऐसे आप खो गए हैं नंबर 12 द हंटर किल्ड द डियर वॉज किल्ड बाय द हंटर नंबर 13 द लॉयन अटैक्ड द ज़ेब्रा वॉज अटैक्ड बाय द लॉयन नंबर 14 अली थ्रू द बॉल The ball was thrown by Ali. Throw through thrown. THROWN. Number 15. My sister had drawn this portrait. This portrait. Drawn के बाद चूंकि this portrait आया है ना as it is उठाएं. This portrait had been drawn by my sister. Number 16. The people were helping the wounded woman. अब यहां पर एक बात और नोटिसेबल है wounded तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए थे लास्ट टाइम हम कर रहे थे ये पास्ट पार्टिसिपल होता है ब्रोकन चेयर था वहां पर आई थिंक सो ब्रोकन चेयर वो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो एडजेक्टिव के तौर पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब किसी नाउन के साथ उसको डिस्क्राइब कर रही होती है पास्ट पार्टिसिपल ठीक है जैसा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या आईएनजी वाली फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई होती है किसी नाउन के साथ वो नाउन को वो रिप्रेजेंट कर रही होती है जैसा कि यहां पे वाउंडेड वुमेन आ गया या वाउंडेड भी इसको पढ़ लेते हैं द वाउंडेड वुमेन वॉज बींग हेल्प्ड बाय द पीपल Number 17. Sam had taken the medicines. The medicines had been taken by Sam. Focus कर ले. Number 18. The player might take extra time.
एक्स्ट्रा टाइम, देखे ना यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी आपने, टेक वर्ब है उसको अगले को पिक करें वो लगा सकते हैं उसमें, नो प्रॉब्लम। द एक्स्ट्रा टाइम या एक्स्ट्रा टाइम अकेला, एक्स्ट्रा टाइम माइट बी टेकन बाय द प्लेयर। नंबर 19, द कैट एट द फिश, द फिश वॉज ईटन बाय द कैट। नंबर 20, शी, अब मैं इसको नाम लेने के बजाय मैं क्या कह रहा हूं, शी सिंग्स ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स पूरा उठाया शुरू में लिया है, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स वर बीइंग, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंग्स। ये मिस्टेक सुहान ने की थी टेस्ट में कि मैंने देते देते बीच में एक कंफ्यूज करके ओ कोई प्रेजेंट का पता नहीं दे दिया या बीच में एक पास्ट का दे दिया, ये चूंकि सीरीज चल रही थी सीरीज के मुताबिक ही गलती कर दी, जैसे मैं अभी गलती कर रहा हूँ, पास्ट चल रहा था एक बीच में प्रेजेंट आ गया तो उसी रूल के मुताबिक चेंज कर दिया, वो गलत हो जाएगा। हाँ, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आर संग बाय हर, मैं उसका नाम लेने के बजाय क्या कर दिया डायरेक्टली हर, आप उसका नाम यूज कर सकते हैं अगर नाम होता तो बाय बाय डैश वो जो नाम है। नंबर 21, द सन, ये मैंने आपको पहले बताया था इसका पैसिव नहीं बनेगा। नंबर 22, द बॉय वॉज बींग बीटन बाय हिज टीचर, ये ऑलरेडी पैसिव है लेकिन हमने जज कैसे किया, सबसे पहली बात आ गई कि जज कैसे करेंगे, पेपर में ये आते होते हैं टेंसेस कैसे, ऑलरेडी वॉज के साथ बींग लग गया है एक ये चीज, या वॉज के साथ थर्ड फॉर्म वर्ब लगी है उसने भी हमें बता देना था कि ये क्या है पैसिव का टेंस है। फिर एक चीज लास्ट पे बाय हिज टीचर आ गया, ठीक है, इन सारी चीजों ने हमें इंडिकेट कर दिया कि दिस इज अ पैसिव सेंटेंस, इसको एक्टिव बनाएं। चीजें चूंकि ऊपर हेडिंग हमेशा क्या आती, चेंज द वॉइस, ये नहीं लिखा होगा मेक द पैसिव फ्रॉम द एक्टिव, ऐसा नहीं लिखा होगा, लिखा होगा चेंज द वॉइस, इनकी वॉइस चेंज कर दें, एक्टिव है तो पैसिव बना दें, पैसिव है तो एक्टिव बना दें। वो देख क्या ना फैजान, वो भाई आएंगे तो उन्हें इधर बैठने के लिए कहना है, ठीक है। नेक्स्ट, द बॉय वॉज बींग बीटन बाय हिज टीचर, द टीचर वॉज बीटिंग द बॉय, हिज को टीचर ही बनाएंगे यहां पे, टीचर वॉज टीचिंग सॉरी बीटिंग द बॉय, स्टूडेंट नाम ही किधर है स्टूडेंट। नंबर 23, डेविड हैड नॉट हेल्प द गर्ल, द गर्ल हैड नॉट बीन हेल्प्ड बाय द डेविड, बाय द डेविड नहीं सॉरी डेविड। नंबर 24, द कारपेंटर वॉज बिल्डिंग द डेस्क वॉज बीइंग बिल्ट बाय कारपेंटर। नंबर 25, द वुड कटर कट डाउन द ट्री, द ट्री वॉज, अब ये देखिए इस सेंटेंस को पढ़ के उमेर आप खड़े हो जाएं, इस सेंटेंस को पढ़ के आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है, कैसे पता चल रहा है, कट लिखा हुआ ना कैसे पता चला है, एनीवन जी नहीं तो मैं कहता हूं ये पहले, हाँ इसने एस नहीं लगा, वुड कटर अलोन है ना, वुड कटर अकेला है तो उसके साथ एस लगना चाहिए था, फिर कट्स आना चाहिए था, लेकिन अब इससे हमें कंफर्म होगा ये क्या है पास्ट इंडेफिनिट। द ट्री वॉज कट बाय द वुड कटर, कट डाउन बाय द वुड कटर, ये एज इट इज रहेगा। नंबर 26, द मैन वॉज ड्रॉपिंग हिज एक्स इन टू द रिवर, द एक्स अब इसको क्या बनाएंगे, द एक्स was being dropped by the man into the river. Number 27, the axe was being dropped into the river by the, बिल्कुल ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने करवाया हूँ आपको, दोनों दोनों में से ठीक होता है। नंबर 27, did the naughty boy kill the bird, was the bird, kill verb है ना, kill के बाद वाला अगला पिक करें, the bird, was the bird
हाँ ठीक है, किल्ड बाय द नॉटी बॉय। ये यहाँ पर नॉटी क्या है? नॉटी नहीं, वो तो शरारती है, एडजेक्टिव, खूबी या खामी किसी चीज के साथ डिस्कस हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। नहीं नहीं, यहाँ पे तो ऑलरेडी लिखा है, हम तो हाँ सदम मिस्चीवियस बॉय, ठीक है, लेकिन यहाँ नॉटी लगा हुआ वर्ड हम उसको तो नहीं ना छेड़ सकते, हम यहाँ चेंज करके लिखेंगे गलत है। जैसे पता है आपने टेक को गेट या गेट को टेक लिखा था, आपका गलत हुआ हुआ वो टेंस, क्यों? आपने वर्ब ही चेंज कर दिया, इसलिए वो मैंने क्रॉस करवा दिया, ठीक है। हाँ वो मतलब टेक का गॉट कर दिया किसी ने, गॉट का टेकन कर, ऐसे करके कुछ किसी ने गलत किया था। नेक्स्ट नंबर 28, आई डिड नॉट फाइंड द बैग वॉज नॉट फाउंड बाय मी, नताशा लॉस्ट द मनी, नंबर 29 वाला, द मनी वॉज लॉस्ट बाय नताशा। नंबर 30, द फार्मर वुड प्लॉ द फील्ड वुड बी, बच्चे इसको वुड ना पढ़े, वुड वुड बी प्लॉड बाय द फार्मर, पी एल ओ यू जी एच ई डी, एक्स्ट्रा सिर्फ ई डी एड होगा साथ, प्लो पी एल ओ यू जी एच ई डी, ई डी दोनों है, सेकंड थर्ड गलत हो जाएगा ना। नंबर 31 जी, क्यों लगा दें? वुड है तो वुड भी, मैंने रूल लिख के आपको बताया सारे, नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि इनका बैलेंस एक रहता है, दोनों में से कोई भी आ गया, विल आया तो विल भी, वुड आया तो वुड भी, और बाद अवकात ये होता है ऑलरेडी सेंटेंस में शैल आया हुआ है, लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं जैसा कि समटाइम वॉज लगा हुआ है, वॉज का जब हम पैसिव बनाने लगे, चूंकि ये ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर हम उसको क्या बनाएंगे? वर बना देंगे, वॉज को वर बना देंगे, या वर है तो वॉज भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट बनने वाला है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेम इस तरह ये है, चले वो डिस्कस हो जाएगा। नंबर 31, द वर्कर्स वुड फिनिश द वर्क इन अ डे, तो एक्स्ट्रा उसको बाद में ऐड कर लेंगे, द वर्क वुड बी फिनिश्ड बाय द वर्कर्स इन अ डे। नंबर 32, द एनिमी हैड एंटर, नहीं है। नंबर 33, हु सैंग द सॉन्ग, द सॉन्ग बाय होम, क्या आएगा? बाय होम, बाय होम वॉज द सॉन्ग, वॉज द सॉन्ग संग, एस यू एन जी वर्ब है, वर्ब एंड पे आएगा। नेक्स्ट नंबर 34, द चिल्ड्रन टीज्ड द एनिमल्स वर टीज्ड बाय द चिल्ड्रन। नंबर आगे वन, दोबारा से वो जो वन शुरू हुआ है, द पपी लीक द बाउल वॉज लीक्ड बाय द पपी। नंबर 2, द इंसेक्ट बिट द लिटिल गर्ल वॉज बिटन बाय द इंसेक्ट। जी पहले हो चुका है डिस्कस, नंबर जी हाँ जी। नंबर 3, द बॉस प्लेड क्रिकेट, द क्रिकेट वॉज प्लेड बाय द बॉस, क्रिकेट प्ले वॉज प्लेड बाय द बॉस, सिट डाउन मैं। नंबर 4, मिस्टर साइम टॉट फ्रेंच, फ्रेंच वॉज टॉट बाय मिस्टर साइम। नंबर 5, सीमा ड्रू द स्केच वॉज ड्रॉन बाय सीमा। नंबर 6, दे रिवैम्प द होटल, द होटल वॉज रिवैम्प्ड बाय देम, रिवैम्प नहीं, मुझे शोर नहीं है इसका, पता नहीं सजाना या उन्होंने रेनोवेशन, वो तो अलग है ना, दोबारा जीरो से इसको बनाना की चीज, टूट फूट को बहाल करना वो रेनोवेशन होती है। रेनोवेशन ही है इसका सिनोनिम है रेनोवेशन, तो इसका मतलब है कि सेम मीनिंग। सर इसका मीनिंग क्या होगा?
तामीर नौ. नेक्स्ट नंबर सेवन, द स्टूडेंट वॉज स्टडिंग द कोर्स, द कोर्स वॉज बींग स्टडीड बाई द स्टूडेंट. अब स्टडीड की स्पेलिंग है STUDIED, IED यहां पे आ जाएगा. नंबर एट, फादर बेक द कुकीज ऑन द वीकेंड, द कुकीज वर बेक्ड बाई फादर ऑन द वीकेंड. अच्छा एक और याद रखना, ये वीकेंड की प्रेपोजिशन अक्सर आती है पेपर में, ऑन द वीकेंड या एट द वीकेंड या इन द वीकेंड या ऐसी कोई भी बात, तो ऑन द वीकेंड प्रेपोजिशन याद रखनी है. नंबर नाइन, हैड यू कंप्लीटेड योर असाइनमेंट, हैड योर असाइनमेंट्स बीन कंप्लीटेड बाय यू. नंबर टेन, शी हैड मास्टर्ड द सब्जेक्ट ऑफ डिजाइन. नंबर टेन दोबारा, शी हैड मास्टर्ड द सब्जेक्ट ऑफ डिजाइन, द सब्जेक्ट ऑफ डिजाइन हैड बीन मास्टर्ड बाय हर. नहीं नहीं नहीं, द सब्जेक्ट ऑफ डिजाइन इकट्ठा आएगा. नहीं नहीं, वो नाउन जो होता है ना, जब जैसे लिविंग थिंग उसके साथ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं. फिजान मोटर बंद कर. नंबर 11, किटी एट द माउस यस्टरडे, द माउस वॉज ईटन बाई किटी यस्टरडे. शी ओपनड द डोर वॉज ओपनड बाई हर. सलमान वॉज वॉशिंग द यूटेंसिल, द यूटेंसिल्स वर प्लूरल है ना, वर बींग वॉश्ड बाय सलमान. दिलावर वॉज बाइंग अ न्यू फोन, अ न्यू फोन वॉज बींग बॉट, BOUGHT, बॉट बाय दिलावर. नंबर 15, नवाज वॉज प्लानिंग द पार्टी वॉज बींग प्लैंड, PLANNED, प्लैंड बाय नवाज. नंबर 16, एवरीवन लाइक्ड स्वीट्स, स्वीट्स वर लाइक्ड बाय एवरीवन. ये स्वीट्स पता नहीं प्लूरल के तौर पे डील होता है सिंगुलर के तौर पे. वर ही आएगा नेक्स्ट, अगर वही गलती तो चेक कर लेंगे इसको. नंबर 17, अली थ्रू द जैकेट वॉज थ्रॉन वर्ब हो चुकी है डिस्कस पहले बाय अली. रमीज हैड टेकन द बुक्स हैड बीन टेकन बाय रमीज. आई डिड नॉट स्कॉल्ड हर, शी हर को शी में ले जाएं, शी वॉज नॉट स्कॉल्ड, स्कॉल्डेड ईडी आ जाएगा, स्कॉल्डेड ईडी एंड पे डांटना, ठीक है. नहीं नहीं नहीं, डांटना होता है, स्कॉल्ड मारना नहीं है, डांट बड़ी सख्त किस्म की डांट, बीट होता है मारना, इंसल्ट वैसे बेइज्जती करना, ये थोड़ी सी क्या ले कम होती है. डांट डपट में जो बेइज्जती करवा रहा होता है वो फिर बोल नहीं पाता. स्कॉल्ड में अक्सर पेरेंट्स या टीचर बच्चे की करेंगे स्कॉल्ड, ठीक है, बाय मी. नंबर 20, द कॉप्स कॉट द थीफ वॉज कॉट बाय द कॉप्स. नंबर 1, ग्रिल वॉज पेंटेड बाय द पेंटर. पैसिव है, एक्टिव बनाएंगे. कैसे पता चला? उमेर विल टेल मी. मुझे कैसे पता चला ये पैसिव का टेंस है? उमेर स्टैंड अप. मुझे कैसे पता चला कि ऑलरेडी पैसिव है? गुड शाबाश. उसके बाद ऑलरेडी थर्ड फॉर्म अबव है किसके साथ? वॉज के साथ. वॉज के साथ नॉर्मल में तो थर्ड फॉर्म अबव लगती ही नहीं है. गुड शाबाश, ठीक है. हाँ बाय भी आया हुआ है, तो अब इसका क्या बनेगा? द पेंटर पेंटेड द ग्रिल, द पेंटर पेंटेड द ग्रिल. वॉज खत्म कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे. उमेर सिट डाउन. नंबर 2, माय सिब्लिंग्स गेव मी अ सरप्राइज. आई वॉज गिवन अ सरप्राइज बाय माय सिब्लिंग्स. दोनों ठीक है. नंबर 3, द इक्लिप्स वॉज सीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड. नहीं बनेगा. नंबर 4, क्लोज द डोर, लेट द डोर बी क्लोज्ड.
मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर लिखवाया था, ये ऑर्डर सेंटेंसेस है। इनके अंदर मैंने कहा था सबसे पहले लग जाएगा लेट, उसके बाद वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसको उठा के लिखेंगे, ब्रैकेट मैंने डलवा दी थी। लेट ऑब्जेक्ट क्या बना, डोर, लेट द डोर, बी फिर लगेगा 100% लगेगा, लेट लग चुका है इसलिए बी लगा। फिर उसके बाद थर्ड वर्ब लगेगा, वर्ब इसके अंदर क्या है, क्लोज, क्लोज्ड, ठीक है, लेट द डोर बी क्लोज्ड। नंबर फाइव, ओपन द विंडो, लेट द विंडो बी ओपन, बी भी रखना ना जहन में। नंबर सिक्स, ये थोड़ा सा हट कर है, नॉर्मल में नहीं आता क्योंकि इसमें आप डू तो वर्ब है, ये तो आप इसके बारे में फेमिलियर है कि जो डू है वो वर्ब है। इट यहाँ पे सब्जेक्ट, आपको पता है इन केस ऑफ रेन या हम सम टाइम कई चीजों के बारे में इट यूज करते हैं, इट को फिर आप सब्जेक्ट लेंगे, लेट इट बी डन, ठीक है। नंबर सेवन, आप तो कल मुझसे पूछ के गए थे। नंबर सेवन, शी गेव द वाउचर्स, द वाउचर्स वर गिवन बाय हर, वी कंफर्म्ड द टिकट्स, द टिकट्स वर कंफर्म्ड बाय अस, शी क्लोज द बॉक्स क्विकली, द बॉक्स वॉज, द बॉक्स क्विकली, किसी ने लिखा क्रॉस कर दिया जाएगा, ठीक है, बनाते हुए पैसे, द बॉक्स वॉज क्लोज्ड बाय हर क्विकली, एंड पे ले जाए क्विकली, एंड पे लेके जाए। नेक्स्ट, वो तो वर्ब के साथ ही लगेगा, नहीं नहीं यहाँ पे एंड पे लगाया जा सकता है एडवर्ब के तौर पे। नंबर 17, ही वाइप्ड द फ्लोर्स वर वाइप्ड बाय हिम, शी एडिटेड द आर्टिकल वॉज एडिटेड बाय हर, शी स्टोल हिज स्टैम्प कलेक्शन, His stamp collection was stolen by her. His stamp collection. They switched off the radio. The radio switched off, एक phrasal verb के तौर पे वो verb आएगा, ठीक है। The radio was switched off by them. He ordered the coffee at 6 p.m. At 6 p.m. छोड़ दें। The coffee was ordered by him at 6 p.m. And the coffee was ordered at 6 p.m. by him. वो भी ठीक है। Number 22, the wildlife department vacated the town. The town was vacated by the wildlife department. खाली करवा देना। Number 23, they utilized the sheets. The sheets were utilized by them. Annie painted the building. The building was painted by Annie. Number 25, Anita, या Anita जो भी इसका नाम है, published the post. The post was published by Anita. Number 26, kids liked sweets and candies. Sweets and candies were liked by the kids. ठीक है।